फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। बिंदी क्या है ना, मैं यहाँ पर नहीं लगाती हूँ, मुझे फिर है ना खुजली आती है, तो मैं इसको है ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऊपर ऊपर नीचे ऐसे अपनी जगह बदलती रहती हूँ, ताकि है ना वहाँ पर सफ़ेद धब्बा भी ना हो जाए और वहाँ पर खुजली भी ना आ जाए। कैसे आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो शाम का वक्त हो चुका है, शाम तो यानी अभी दिया बाती करने का टाइम हो गया है और मैंने रात के खाने की तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। आज खाने में है ना मैं मसाले वाला दूध बना रही हूँ, क्योंकि दूध काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो बच्चे ऐसे तो पी नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने जो अभी आपको छोटी सी क्लिप दिखाई ना, वो मसाले वाला दूध मैंने जो ड्राई फ्रूट थे वो और केसर डाल के बना दिया है। तो वो खाते वक्त बच्चे एकदम ही मतलब प्यार से वो पी लेते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूध बनाया है और साथ ही में मैं बैंगन की और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि दो सब्जी अब रखी थी, उसमें आधी लौकी थी और बैंगन थे। तो अभी लौकी की तो सब्ज़ी मैंने कुछ दिनों पहले ही बना ली थी, तो सोचा बैंगन की बना लेती हूँ ताकि बच्चे ना बैंगन खा लेंगे दूध के साथ, और साथ ही मैं पूरी बना दी हूँ। और अभी हमें कुछ दिनों के बाद गाँव जाना है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। तो कपड़े मुझे अभी सबके निकालने हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े कौन से रखूँ, कौन से घर में पहनने के लिए रखूँ, तो वो सारे कपड़ों है ना अभी मुझे एक अलग अलग करके रखने हैं, ताकि बच्चे, और ठंडी भी है ऊपर से, गाँव जाएंगे तो वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, तो ठंड के भी कपड़े लेने हैं। तो सारे कपड़े को मुझे अभी एक बैग में भरना है, तो गर्म कपड़े अलग रहेंगे और बच्चों के कपड़े अलग। तो वो सारे कपड़े पहले है ना मुझे चेक करने, लेकिन मैंने सोचा उसके पहले मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद ये सारा काम लेके बैठती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से किचन में। तो यहाँ पर अभी मसाले वाला दूध हमारा बनके तैयार हो चुका है और सब्जी की सारी तैयारियाँ कर दी है, आलू छील दिए हैं, टमाटर है और यहाँ पर बैंगन मैंने काट के रख दिए हैं और आटा भी निकाल लिया है। आटा भी मुझे गूँथ लेना है और सब्जी पहले मैं छोंक लेती हूँ और उसके बाद फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ, ताकि पूरियाँ जल्दी से मैं बना पाऊँ। सब्जियाँ मैंने काट ली है, बैंगन इसमें कड़ी पत्ता डाला है और बैंगन पानी में है, बर्तन थोड़ा सा छोटा हो गया इसीलिए ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर टमाटर और आलू है, राई और जीरा अभी अच्छे से फूट चुका है, तो अभी इसके अंदर हम हींग और हल्दी पाउडर डाल देते हैं और सीधा हमें सब्जी। मसाला भी कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और ये सांभर मसाला है जो मैंने बीच में बनाया था वो डालेंगे और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि ये सब्जी हम रसे वाली बना रहे हैं। अगर आप सूखी बना रहे हो ना तो कम पानी डालिए। और अभी इन सबको मैं अच्छे से मिला देती हूँ। तो देखिए जी, भगवान के आगे हमने जोत लगा दी है और सब्जी को मैंने पकने के लिए रख दिया है, तीन विसल होने तक उसे मैं पका लूँगी और बस हमारी यम्मी वाली सब्जी तैयार है। और अभी मैं झटपट से पूरी का आटा गूंथ लेती हूँ। बच्चों को जैसे ही छुट्टी का पता चला वैसे ही नीचे सारे बच्चे हैं ना फटाके फोड़ने में लग गए हैं, मानो अभी से आज से ही दिवाली शुरू हो गई है, बहुत सारे फटाके फूट रहे हैं और वो आवाज़ सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे त्यौहार आ गया है, हमें बहुत जल्दी जल्दी सफाई करनी है, बाहर जाना है, बहुत मतलब एक अंदर से एक अलग खुशी आती है जब भी त्यौहार का मौका होता है ना, उस वक्त जो खुशी का माहौल होता है, जो एक अंदर से जो एनर्जी आती है ना हर किसी में, वो एक अलग होती है, वो बाकी के दिनों में आपको नहीं मिलेगी। ये त्यौहार के वक्त है ना ये मज़ा बहुत अच्छा लगता है और ये सारी रौनक बच्चों के वजह से होती है। तो चलिए मैं फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आटा गूंथ लिया है, ये देखिए, और एक चीज़ का पकौड़ा है
हस्बैंड जी अभी आते वक्त है ना ये चीज पकोड़े लेके आए हैं, तो मैंने खाना शुरू कर दिया। चटनी भी है साथ में और ढेर सारे पकोड़े हैं, ये चीज़ वाले बच्चों को ये पकोड़े होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और चीज़ तो हर छोटे बड़ों को सभी को पसंद आता है। तो ये पकोड़े अभी लेके आए और मैंने आटा गूंथ लिया है, लोइयां भी बना ली है, और आटे के अंदर है ना मैंने कसूरी मेथी डाली है और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, ताकि जो बैंगन की सब्जी है ना कई बार क्या होता है ना गैस हो जाता है वो खाने के बाद, तो मैंने पूरी के अंदर ही थोड़ी सी अजवाइन मिला दी है ताकि कोई परेशानी ना हो। तो अभी मैं झटपट से पूरियाँ बना लेती हूँ, और बच्चे और हस्बैंड अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं अपने कपड़ों बच्चों के कपड़े लेने हैं ना, थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए, तो वो लोग गए हैं और मैं तब तक खाना अपना तैयार कर लेती हूँ। सब्जी यहाँ पर अभी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, मुझे थोड़ी सी है ना पतली लग रही है, सोच रही हूँ उसे थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेती हूँ ताकि इसका रसा है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, लेकिन खाने में अभी थोड़ी सी देर है तो देखती हूँ, तब तक अगर इसका रसा गाढ़ा नहीं होगा ना तो फिर इसे मैं गर्म करने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने पूरियाँ बेल दी है, आधी भी बाकी है। यहाँ पर लोइयों को मैंने तेल लगा के रख दिया है, तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है। जैसे ही तेल गरम होता है वैसे मैं पूरियाँ बना लेती हूँ गर्मा गर्म। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया नरम नरम पूरी और सब्जी। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ही पूरा करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।